पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, चीफ सेक्रेटरी की तैनाती के बाद अहम मोड़, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मामलात चीफ सेक्रेटरी पंजाब से लेने का फैसला। मामलात चीफ सेक्रेटरी से लेकर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सुपुर्द किए जाएंगे। बात करेंगे हसन रजा से। जी हसन, बताइएगा, बड़ा फैसला सामने आ गया है। जी बिल्कुल, नई चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल की तैनाती के बाद इंतजामी सतह पर कुछ अहम तब्दीलियां करने का फैसला किया गया है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मामला चीफ सेक्रेटरी पंजाब से ले लिए जाएंगे और आना चंद रोज में जो है इसमें बिजनेस में भी अहम तरामीम की जाएंगी और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मामला चीफ सेक्रेटरी से लेकर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सपोर्ट कर दिए जाएंगे। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चीफ सेक्रेटरी से अलग होकर बर रात वजीर अला को रिपोर्ट करेंगे। ये इसलिए फैसला किया गया क्योंकि इस टाइम पंजाब में सबसे सीनियर तीन ऑफिसर वो सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात आरर हैं और उनको पंजाब में रखने के लिए ये फैसला किया गया है। और ये इसलिए किया गया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इनकी कारकर्दगी से बहुत ज्यादा मुतमिन थे, जबकि चीफ सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के किसी भी मामले में मुदाखलत नहीं कर सकेंगे और चीफ सेक्रेटरी पंजाब डॉक्टर कामरान अली अफजल से चार अफसरान सीनियर पंजाब में मजीद तैनात हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर पंजाब डॉक्टर जो है अरशद मंसूर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब वीरम बुखारी भी चीफ सेक्रेटरी से सीनियर हैं, इसी तरह एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला भी जो है वो भी जो है चीफ सेक्रेटरी पंजाब से सीनियर हैं, जबकि सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सईद अली मुर्तजा, सेक्रेटरी आबपाशी सैफ अंजुम, सेक्रेटरी एमपीडीडी अली ताहिर भी चीफ सेक्रेटरी पंजाब के बैजमेंट हैं। अब कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे और कहाँ कहाँ कुछ तब्दीलियां करनी है उसके हवाले से आइंदा चंद रोज में कुछ चीफ सेक्रेटरी पंजाब डॉक्टर कामरान अली अफजल जो है वो फैसले लेंगे। शुक्रिया हसन, आपने अपडेट किया।